बरला चपास से खारदुंगला ले की तरफ जाते हुए पैदल पैदल भी इसलिए कि मुझे पीछे एक न्यूज़ मिली थी कि आपको खारदुंगला से पैदल ट्रैक नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की और ज़्यादा कमी है। पर मैं तो कर लेता, अभी मैं यहाँ लोग जहाँ पर खड़े होने में हाँफते हैं वहाँ मैं पैदल चल रहा हूँ बर्फ़ के बीच में। ये देखिए, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या है ना, मेरे को 4000 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं, उससे भी ज़्यादा। तो अब मैं लेह की तरफ पैदल जा रहा हूँ, यहाँ पर अप डाउन स्टार्ट हो गया चलना। अब देखिए यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा हो। तो देखते हैं, अगर परमिशन मिली, अलाउ हुए खारदुंगला से पैदल ट्रैक, तो खारदुंगला से भी ऊपर से चलेंगे। तो अभी थोड़े से गलत टाइम पे आया हूँ मैं, जून जुलाई में अगर मैं इधर आता तो ट्रैक करने देने के चांस थे, बट अभी नहीं है, 1-2% ही चांस है। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है। अभी तो लेह की तरफ पैदल जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और कुछ मेरे भाई बाइक करा रहे हैं हर हर महादेव। ये देखिए, सिर्फ आर्मी गाड़ियाँ ही जा रही हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी 1-2 ट्रैवलर बड़े वाली 4x4 ही हैं। क्या नजारा है भाई। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय भारत सेना। भाई सुनो, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बहुत ही ज्यादा, और रुकने का कहीं पर भी टेंट और कैंप लगाने की जगह कहीं पर भी नहीं थी, और यहाँ पर रात को रुकना भी खतरनाक था, इसलिए आर्मी वालों ने मुझे मदद दी। सुनो, बहुत ज़्यादा हो गई और ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा गिर गया, इसलिए आर्मी की गाड़ी की मैंने मदद ली है, आर्मी वाले भाइयों ने मेरे को मदद की। देखिए बाहर का मौसम कितना गंदा होने लग गया है, और पीछे पूरा जाम है और आर्मी की गाड़ियाँ हैं। ये देखिए, शुक्र है आर्मी वालों का। देखिए मेरे बैग पे कैसे स्नो जम गई, और फाइनली हमको स्टे मिल गया है। ये देखो, एक आध बाइकर और आर्मी की गाड़ियाँ और स्नो फॉल होता हुआ, पीछे भी लंबा जाम है, सब परेशान। जय शिव शंकर, जय हो प्रभु, प्रभु के श्री चरणों में लिया आसरा। आज का स्टे हमारा यहीं पर होगा। चलिए दिखाते हैं आपको बाहर का नजारा, कि कैसा है बाहर नजारा और मौसम। ये देखिए, हम अभी उधर से आए हैं और आगे जाएंगे। यहाँ पे है हर हर महादेव, ये है भाई नजारा, मौसम। सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम भाई। हमने यहाँ रुकने का डिसीजन एकदम सही लिया है, क्योंकि बाहर मौसम बिल्कुल भयंकर बिगड़ चुका है, एकदम खराब मौसम हो चुका है। चलिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ, और जहाँ से मैंने आर्मी वालों से लिफ्ट ली, गजब, अगर मैं वहाँ से लिफ्ट नहीं लेता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होना था। वो मैंने सही डिसीजन था मेरा, क्योंकि मुझे पता था कि रास्ता लंबा है। मैं वहाँ से करीबन 40-45 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, 15-20 किलोमीटर आर्मी ट्रक में, और उससे आगे मैं पैदल चला हूँ क्योंकि मौसम ठीक था। बट अभी मौसम बिगड़ चुका है, भयंकर खराब हो चुका है वहाँ पर। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का मौसम अब कैसा हो चुका है। वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, भयंकर स्नो हो रही है। अगर मैं वहाँ फंस जाता, बहुत ही गंदा काम होना था, शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। अगर मैं वहाँ आज फंस जाता, मैं लिफ्ट नहीं लेता। मैंने लिफ्ट लेकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर वो ट्रैक हमें क्लियर करना है तो दिन के समय करीबन, वो भी दोपहर के 1-12 के करीबन उस ट्रैक को क्लियर करेंगे, कि अभी हम लेह की तरफ, खारदुंगला की तरफ जा रहे हैं।
तो उसको अगर हम दोबारा आप जब वापस वहाँ पैदल जाएंगे तो उसको हम दोपहर में क्लियर करेंगे, शाम के समय में या मॉर्निंग में वो खतरनाक है। चलिए दिखाता हूँ बाहर कैसा मौसम हो गया है। हमने यहाँ रुकने का डिसीजन सही लिया। देखिए, स्नो हो गई स्टार्ट, बर्फ गिरनी स्टार्ट हो गई। देखो कितना भयंकर मौसम हो गया है। देखो दिल्ली का मौसम तो एकदम खराब हो गया उधर। ये देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वहां पूरे पहाड़ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओ खतरनाक, एकदम गजब का मौसम हो गया।